हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है डेफिनेशंस के पार्ट में, वो आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कहीं ना कहीं लेस रेलेवेंट है, लेकिन मॉड्यूल का पार्ट है, तो मैं कभी भी सजेशन नहीं करूंगा कि आप इसको अवॉइड करो। रेस्ट चॉइस इज योर्स, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखूं तो पीछे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मॉड्यूल से हटाया भी नहीं गया है, तो इसलिए एग्जाम में आने की संभावनाओं के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। अगर मॉड्यूल में है तो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट इसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर बात आएगी वो आएगी सेक्शन की। कौन से सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन नंबर 3 ऑब्वियसली, बट जो इसका क्लॉज है वो है क्लॉज नंबर 8। क्या कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां मीनिंग बताई गई है। ओवरऑल आप अगर नटशेल में बाद में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किन किन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काउंट किया गया है, या किस किस पोजीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काउंट किया गया है, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर कमेंसमेंट, अगर कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कमेंस हुआ 1950, उससे पहले के जो भी एक्टिविटीज होंगे, तो उसके अंदर माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल एज द केस में भी, ठीक। और कौन कौन लोगों को इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो इसके अंदर फिर आएंगे आपके इंक्लूड करने वाली अथॉरिटीज। मतलब क्या हुआ कि जो पहले का हमारा एक्ट था, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर कई सारी लोगों को फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते थे। ऐसे कह लो कि आप अथॉरिटी दी जाती थी कि हाँ भैया आप काम करोगे एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट या एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एज अ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इस टाइप की बॉडीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो पहला पॉइंट आता है इसी के अंदर, इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविनेंस द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, दिस इज द वर्ड जो आपको ध्यान में रखना है, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू इट अंडर द सबसेक्शन, मतलब कि इस एक्ट के सबसेक्शन के अंदर जो भी अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उसके स्कोप के अंतर्गत वो काम कर रहा है प्रिंसिपल गवर्नमेंट। वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट भी आपका कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक। आगे देखते हैं, इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविनेंस, द चीफ कमिश्नर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द सेड एक्ट, मतलब इसी एक्ट के सेक्शन 94 के सबसेक्शन 3 के अंदर इनको अथॉरिटी दी गई है। किनको अथॉरिटी दी गई है? चीफ कमिश्नर को। ये जो एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है प्रोविनेंस, इसका मतलब क्या है? प्रोविनेंस का मतलब होता है आपका प्रांत, मतलब एक एरिया, एक प्रदेश, एक इलाका, इस टाइप की चीजों को हम ये कहते हैं। तो एडमिनिस्टर, इस टाइप के प्रांतों को एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी चीफ कमिश्नर थे जिनको ऑथराइज किया गया था एज पर सेक्शन नंबर 94, तो वो चीफ कमिश्नर भी आप ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब कमेंसमेंट हमारा जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद जो एक्टिविटी होगी, तो उसके अंदर कौन बंदा हमारा जो होगा जो गवर्नमेंट का पार्ट कहलाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगा, तो उसके अंदर कहा गया ऑब्वियसली वन एंड ओनली प्रेजिडेंट। वन एंड ओनली कौन है? हमारे प्रेजिडेंट। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? तो सेम पैटर्न पे चलेगा, इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जिसको हम कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट, एक्टिंग विद इन द स्कोप of the authority given to it under that clause, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जिसको कि अथॉरिटी के द्वारा, मतलब ऑथराइज किया गया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी हमारा जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट होगा, वो भी इसके अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्ट सी स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट। अब ये पार्ट सी स्टेट क्या होता है, आगे देखते हैं। 1956, द चीफ कमिश्नर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर और the government of neighboring state or other authority acting within the scope of the authority given to him or it under article 239 or article 243 of the constitution as the case may be। मतलब क्या हुआ कि कुछ पार्ट सी स्टेट, आप पार्ट सी स्टेट आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, आप ऐसा समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपके जो स्टेट थे उसको चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और उसके अलावा आपका एक टेरिटरी था। तो इन चार पार्ट्स के अंदर आपको अलग अलग से उसको सेग्रीगेट किया गया था। तो उसमें से कहा जा रहा है कि जो पार्ट सी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पार्ट सी जो थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे वो चीफ कमिश्नर की हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो, चाहे वो नेबरिंग स्टेट के गवर्नमेंट की हो, या किसी और अथॉरिटी की हो जो कि
अथॉरिटी जो उनको ऑथराइज किया गया है उसके स्कोप के अंदर ही काम कर रहे हैं। ऑथराइज कहाँ किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239 या फिर 243 के अंदर। तो उन लोगों को भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट मानोगे। अगला आता है, इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन यहाँ पे बात हुई, अब यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पे तो बात करके आपके पार्ट सी के स्टेट की, लेकिन थर्ड पॉइंट में बात कर रहा है यूनियन टेरिटरी की। ऑब्वियसली बात है, जो टेरिटरी को मैनेज करेगा, जो उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा, तो उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, चलिए जी, ये अमेंडमेंट की डेट दे रखी है कि कब अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विच इज नॉट दैट मच रेलेवेंट ना। अब आपने मोटा मोटा देखा कि भैया तीन टाइप के स्टेट्स हैं और एक आपकी टेरिटरी है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। एज सच मैं फिर वही रिपीट करूंगा, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी इसको पूछने का कोई औचित्य खास बनता नहीं है, लेकिन मेंशन्ड मॉड्यूल के अंदर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे स्टेट्स थे जो कि पार्ट ए के अंदर कवर थे, पार्ट बी के अंदर कवर थे, पार्ट सी के अंदर कवर थे, और एक लौता था हमारा पार्ट डी जिसके अंदर हमारा एक टेरिटरी कवर हुआ करता था। चलिए, तो कह रहा था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 मेड इंडिया अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द न्यू रिपब्लिक वर आल्सो डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बिटवीन 1947 एंड 1950 द यूनियन सॉरी द टेरिटरीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्टेट्स एंड अ क्लास ऑफ टेरिटरीज। किस तरीके से उसको डिस्टिंग्विश किया गया वो देख लेते हैं। तो पार्ट ए स्टेट होते थे, पार्ट ए स्टेट वो है जिसको कि रूल किया जाता था किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और वो अगेन गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है ना, बेसिकली तीन अलग अलग स्टेट्स हैं जिसको कि रूल किया जाएगा अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा, अलग अलग जो आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जिनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उनके द्वारा वो रूल किया जाएगा। तो पार्ट ए स्टेट हुआ जिसको रूल कौन कर रहा है? गवर्नर। और उसको अपॉइंट किसने किया है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ने। सभी जगहों पे जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी। कौन से ऐसे स्टेट थे और कितने स्टेट थे? तो सबसे पहली बात आती है कि 9 स्टेट्स हैं जो कि पार्ट ए के अंदर कवर होते हैं। कौन कौन से हैं? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश फॉर्मली सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर, मद्रास, ओडिशा, पंजाब फॉर्मली ईस्ट पंजाब, उत्तर प्रदेश फॉर्मली द यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल। तो कहीं ना कहीं 9 स्टेट्स होंगे जो कि पार्ट ए स्टेट्स के अंदर कवर किए गए। अगला आता है आपका पार्ट बी। जैसे पार्ट ए था जिसको कि गवर्न किया जा रहा था या रूल किया जा रहा था किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। जो पार्ट बी स्टेट्स हैं उसको गवर्न किया जाता है राज्य प्रमुख के द्वारा। ठीक, अगेन ये राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख वही है जिसको कि अपॉइंट कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द राज प्रमुख वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने स्टेट थे जो कि पार्ट बी के अंदर आते थे जिसको कि राज प्रमुख के द्वारा गवर्न किया जाता था? तो ऐसे स्टेट्स थे आपके 8। कौन कौन से? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन PEPSU, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड ट्रेवनकोर कोचीन। ठीक है, तो ये पार्ट बी स्टेट्स के बेसिकली आपको नाम ध्यान रखने हैं, थोड़े बहुत कवर किसके द्वारा किया जाता था और ऑब्वियसली अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला आता है आपका पार्ट सी स्टेट्स। पार्ट सी स्टेट्स के अंदर जो गवर्न है, मतलब जो इसको गवर्न किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा गवर्न बाय चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय अगेन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने स्टेट्स के अंदर कवर थे? तो इसके अंदर कवर थे आपके 10 स्टेट्स। कौन कौन से? तो 10 स्टेट जो है पार्ट सी के वो है आपके अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। तो ये आपके पार्ट सी के 10 स्टेट्स और कवर हुए। इसके बाद एक लौता आता है आपका पार्ट डी जिसके अंदर एक टेरिटरी है विच इज सोल टेरिटरी, जिसका नाम है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, विच वॉज एडमिनिस्ट्रेट बाय कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान देना है, जो बाकी तीनों में अपॉइंटमेंट हुई वो किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन पार्ट डी जो है जो कि टेरिटरी के लिए है विच इज एंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको जो एडमिनिस्टर किया जाएगा वो किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और इसको कौन अपॉइंट करेगा? इसको अपॉइंट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ आपका पुराना कह सकते हो कि इतिहास टाइप की चीजें जो कि आप यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए लेस रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, पर जो भी था हमारे मॉड्यूल का पार्ट था, एक बार हमें रीड एंड थ्रो करना बहुत अनिवार्य था और छूटे ना, ये हमारा एक लौता उद्देश्य होता है, तो इसलिए हमने जैसे उसको देख लिया। आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। इतनी बात अगर आपको पता है तो दैट्स इनफ फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस डेफिनेशन। बात करेंगे बाकी डेफिनेशन के सेपरेट पार्ट के अंदर, मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं ताकि कोई अगर इसको छोड़ना चाहे तो आराम से इसको छोड़ के बाकी पार्ट से कंटिन्यू कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।